बीसी कुरिये संयोजक राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन। अब हमें यह संदेश देना है कि भाई होली आई है और होली में लोग शराब और इसका उपयोग न करें, मादक पदार्थों का, और एक दूसरे के साथ गले मिले और आराम से होली खेले, ज़्यादा अच्छा होगा। मेरा यही संदेश है लोगों के लिए, जिससे मित्रता बढ़े, प्यार मोहब्बत बढ़े, एक दूसरे से गले मिले। ये देश के लिए मेरा एक संदेश है राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन की तरफ से कि देश में भाईचारा प्यार मोहब्बत बढ़े। और आज जो देश में तमाम तरह की जो विकृतियाँ आ रही हैं वो शासन और प्रशासन की तरफ से, और वो लोग समाज के लोगों पर मर रहे हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। ये सरकार को और प्रशासन को सोचना चाहिए और इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि यह देश सबका है और सबके प्रतिनिधित्व की स्थिति बननी चाहिए, सबके विकास के लिए सबकी भागीदारी हो, एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए। सरकार का यह दायित्व है कैसे प्यार मोहब्बत इनमें लाएगा, इस प्यार मोहब्बत को लाने के लिए काम करना चाहिए। और आज राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन उस आधार को लेकर आगे बढ़ रहा है कि इस देश में जो पूर्व सरकार ने, जो वर्तमान सरकार ने जो घोषणा किया था, यह देश सबका है तो सबका साथ सबका विकास के सबका विश्वास की बात कही थी, लेकिन उसको किन्हीं कारणों से उस पर अमल में नहीं ला पाए हैं। तो राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन ने एक संकल्प लिया है कि हम इस देश में उस दिशा में काम करेंगे और ये लोगों को बताएंगे कि प्यार मोहब्बत से और भागीदारी से, एक दूसरे के साथ जुड़ने से इस काम को पूरा किया जा सकता है, सबके विकास को किया जा सकता है और इस देश को अखंड और मजबूत भारत बनाया जा सकता है। आज वो मजबूत भारत की बात करते हैं, जब तक इस देश में समाज का कोई भी अंग अगर वो विकास से दूर रहेगा तो ये कभी भी अखंड और मजबूत भारत नहीं बन सकता है। जी, भागीदारी मंच का जो संदेश है, आगे की क्या रणनीति है आपका, आंदोलन कहाँ कहाँ तक? वो भागीदारी का एक और संदेश है कि जो सदस्यता का अभियान मैंने चलाया है, उस अभियान में खास तौर से ये है कि जो संविधान के साथ चलने वाले हैं, जो संविधान को बचाने वाले हैं, जो संविधान को अपना कानून मान रहे हैं कि संविधान ही हमारे जीवन का सही रास्ता दे सकता है, तो उन लोगों को एक तरफ करना है और जो विकृत सामाजिक व्यवस्था के लोग हैं और उनको ये संदेश देना है कि भाई आप विकृतियों को छोड़ दें और एक दूसरे के साथ मिलकर चलें और इस देश का विकास होगा। जब लोगों का विकास होगा तो आपका स्वतः विकास होगा और उसमें विकास आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि श्रम को हम कार्य में बदलें और कार्य से जो है जो धन की उपलब्धि होगी वो डेवलपमेंट का स्वरूप बनेगा। आज हम श्रम को डिस्ट्रॉय जो कर रहे हैं वो जात के नाम से, धर्म के नाम से उसे बाहर रख रहे हैं, इसलिए जो है दोनों को दिक्कत है। जो विकास चाहता है, जो विकास में पहले से है, तो उसका भी विकास हो रहा है, क्योंकि आज जैसे मोदी साहब ने नोटबंदी किया, जो GST लगाए, तो उसका जो सही दिशा में उपयोग होना चाहिए तो वो नहीं हो पाया और वो क्या कारण रहे ये वही समझ से रहे होंगे, लेकिन उससे अगर सही दिशा में उपयोग करना है तो भाईचारे की बहुत जरूरत है और भागीदारी की जरूरत है। एक दूसरे से कैसे निकटता है, कैसे काम को हम भागीदारी के सिद्धांत से काम करें। जैसे इस देश का जो संविधान बना है वो भागीदारी के सिद्धांत से है कि हम एक दूसरे के हकों को, एक दूसरे के विकास को हम और बेहतर करेंगे, ये उसका सुधार। आपके मंच से जुड़ने के लिए कोई संपर्क सूत्र या किस तरीके से? संपर्क सूत्र सीधा सीधा है कि ऑफिस से कॉन्टेक्ट करना होगा और जो हमारे ऑफिस इंचार्ज, जो हमारे उपाध्यक्ष फहीम सिद्दीकी जी हैं, उनसे बात करके, और जो है चूंकि उसका कोई ऐसा न तो शुल्क की बात है, शुल्क के निर्धारण किया गया है, उसको नेटवर्किंग सिस्टम से जोड़ा जा रहा है, तो उसमें 1000 रुपये का हमने नेतृत्व वाले को रखा है और जो सक्रिय कार्यकर्ता है उसको 100 रुपये और जो आम कार्यकर्ता है उसको 20 रुपये, और ये पैसा उसका कभी मरेगा नहीं, ये पैसा हमेशा जिंदा रहेगा और ये पैसा 2 गुने से लेकर 100 गुने तक उसको फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ उसके अदर फायदे हैं, जैसे बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है तो उसका भी इसमें समाधान है, और उसके जो भूख से मर रहा है उसका भी समाधान है। इनको सबको जो है कैसे किया जाएगा वो सिद्धांत उसमें है और वो आसानी से किया जा सकता है, और हम लोग
इसके द्वारा करवा रहे हैं। और अभी एक नमकीन की फैक्ट्री भी इसी नाते से खोली गई है, उसमें करीब 150-200 वर्कर काम कर रहे हैं, उसमें हर बिरादरी के हर धर्म के लोग शामिल हैं, तो उनका अपना जो काम करते हैं उसका योगदान उनको मिलता है और उसका जो पुरस्कार मिलता है उसको सहयोग के राशि में कहता हूँ। तो उसके जो श्रम देगा, जैसे इसमें जो पदों पर जो है आएगा तो उसके जो मेंबरशिप ही होगी, तो जितनी जिसकी होगी उसी आधार पर वो आगे बढ़ेगा। वो ये नहीं है कि जैसे अन्य पार्टियों में अभी तक जो देखा जा रहा था कि कोई आया तो पैसे का ज़्यादा लोभ दे दिया तो उसको बड़े पद पर बैठा दिया, जिससे कि डिस्टर्बेंस होता है, जो कार्य जो श्रम का है वो वैल्यू ख़त्म हो जाती है, कार्य की स्थिति बदल जाती है। इसलिए लोग एक दूसरे को गिराने के हटाने की प्रक्रिया में रहते हैं, इसलिए इसमें लोग एक दूसरे को बढ़ाने की प्रक्रिया में रहेंगे कि वो आगे बढ़ता जाए तो उसको आगे का रास्ता खुलता जाएगा। इसके ये सिद्धांत है, इसलिए जब ये चल जाएगा तो पूरे देश में संविधान का एक राज्य बनेगा, संविधान की स्थिति पैदा होगी, उसमें कोई भाईचारे से बाहर नहीं होगा, किसी भी धर्म का होगा, किसी भी जाति का होगा, वो कार्य के आधार पर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। जैसे योग्यता का मामला है तो अपनी शिक्षा के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर वो आगे बढ़ेगा। वो जो है ऐसे नहीं कि नहीं पैसे या जाति या धर्म के आधार पर जो आगे बढ़ जाते हैं वो इस तरह से नहीं बढ़ सकता है, इस तरह से उसका विकास नहीं होगा। तो सही माने में जो फार्मूला हम लोग तैयार किया है तो ये सभी को अच्छा लग रहा है और सभी इस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सारे समाज के लोगों से ये जरूर संदेश दूंगा कि आप उसके सदस्य बने, और अगर पैसा ना हो तो बिना पैसे के फ्री सदस्य भी बन सकते हैं, कोई उसमें है नहीं, लेकिन उसमें कार्ड की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी, और कार्ड लेने से कार्ड वाले को कोड अगर कोई समस्या है तो कोड नंबर डालकर वो लिखेगा पत्र, तो उसकी आसानी से समस्या का समाधान किया जाएगा। ये तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं उससे वो खाली वंचित रहेगा, लेकिन जो राष्ट्रीय सुविधाएं उसका वो भागीदार रहेगा। इसलिए इसका इस तरह का संदेश है कि भाई सब लोग जुड़े और अपने श्रम को मजबूत करें, अपने श्रम के आधार पर अपने जो फायदा है लेने का काम करें। मैं अपनी बात को यहीं